Hi, good morning. Welcome to all of you on my channel, Maths Topper. Today we are going to discuss for your forthcoming JEE Advanced exams on the topics functions. So here, my dear friends, today we will discuss varieties of problem related to functions. Okay, and such type of questions can be asked in your फोर्थकमिंग चाहिए एडवांस एग्जाम्स, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चंस का ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए. ठीक है, आज के लिए जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पॉलिनोमियल पी एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशंस पी ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू पी एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन हायर पी ऑफ जीरो सो दैट इज इक्वल टू जीरो है. जब भी इस टाइप का इक्वेशंस होगा आप क्या करोगे, ठीक है, पी एक्स को लेफ्ट में ट्रांसफर कर लो. ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन देखो, अभी एक्स का वैल्यू वन इनपुट किया, पुट करने के बाद ये मिल रहा है, अभी इसको ऐड कर दो. जब ऐड करोगे देखो ये डायगोनल ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये टर्म बचेगा, ये टर्म बचेगा, पी एन प्लस वन माइनस पी वन सो दैट इज इक्वल टू वन है. ठीक है, यहीं पे क्या देखो, पी जीरो इज जीरो है, तो पी वन एक्स का वैल्यू जब जीरो होगा, यहीं पे देखो पी जीरो जीरो है, ये जीरो है, सो दिस इज वन, सो दैट मीन्स पी वन इज वन. ठीक है, पी वन इधर कर दो, सो दिस इज वन, वन प्लस थ्री प्लस फाइव सो दिस. अभी ये सम ऑफ ए पी है, सम ऑफ ए पी का फॉर्मूला क्या था, एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म एन बाई टू वाई टू एन प्लस टू बाई टू है, सो दैट इज वन वट विल गेट ना, सो दिस एन इंटू एन प्लस वन है, सो पी एन इक्वल टू एन प्लस वन इज दिस, एन इज रिप्लेस बाई एन माइनस वन, तो ये पी एन हो गया एन इंटू एन माइनस वन, सो पी एक्स क्या होगा, एन इज रिप्लेस बाई एक्स, सो पी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन है. Now, my dear friends, another question, if f x is a polynomial functions of x satisfying f x into f of y equal to f x plus f of y plus f of x y minus 2 है, such that f of 1 equal to 2 and f of 2 equal to 5, then find the value of f of 4 plus 2004 है. ठीक है, क्लियर. सो जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू दिस, ठीक है, यहीं पे y को एलिमिनेट कर दोगे, तो y कब एलिमिनेट होगा ना, y रिप्लेस बाई वन बाई एक्स है, तो एफ एक्स इधर से एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स, ये तो वन हो गया, एफ ऑफ वन माइनस टू है, अभी एफ ऑफ वन का वैल्यू तो टू है, टू सो एफ ऑफ वन का वैल्यू टू है, टू माइनस टू तो कैंसिल हो गया, सो दिस एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू दिस. क्लियर, इसके लिए क्या है, ये पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, एफ एक्स इक्वल टू जब ऐसा होगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन है. नाउ यहीं पर another thing is also given, f of 2 equal to 5 है, f of 2 equal to 5, so 2 to the power n plus 1 equal to 5, so 2 to the power n equal to 4 है, तो n का वैल्यू क्या होगा, 2 है, so that means f x equal to x square plus 1 है. अभी आपको क्या फाइंड करना है, f of 4 का वैल्यू क्या है, 17 है, तो f of 4 plus 2004, 17 plus 2004, so that is equal to is what, now 2021 है. Now my dear friends, नेक्स्ट इज क्या है, देखो नेक्स्ट, इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी पी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स सो दैट इज इक्वल टू टू एक्स इंटू पी इंटू एक्स प्लस वन प्लस थ्री. ठीक है, जब भी इस टाइप का होगा ये एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्वाड्रेटिक है, लेकिन राइट हैंड साइड क्या है, देखो राइट हैंड साइड पे तुम्हें क्या लग रहा है, राइट हैंड साइड पे, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक कब होगा ना, जब ए अनदर लीनियर एक्सप्रेशन देगा, ए लीनियर है, ए भी लीनियर है, सो इसीलिए क्लियर, सो इसीलिए देखो पी ए लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी है, सो यहीं पे पुट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू जब जीरो पुट कर दोगे, देखो एक्स के ए सारे जीरो हो गया, ए सारे जीरो हो गया, तो पी ऑफ जीरो का वैल्यू थ्री है. अभी यहीं पर एक्स का वैल्यू जब माइनस वन है, ए तो जीरो हो गया, ठीक है, क्लियर, एक्स का वैल्यू जब माइनस वन है, ए जीरो हो गया, ठीक, ये तो टू है, ये टू माइनस टेन माइनस एट, ए क्या होगा, पी ऑफ वन है, सो पी ऑफ वन प्लस टू माइनस टेन इक्वल टू क्या हो रहा है, सो दैट इज थ्री है. अभी इसका जो वैल्यू है टू माइनस एट क्या हो रहा है, माइनस सिक्स, ठीक है, क्लियर, टू माइनस टेन सो दैट इज एंड थ्री माइनस सिक्स है, एक्स का वैल्यू जब माइनस वन है, ये तो जीरो है, पी जीरो का वैल्यू थ्री है, सो दिस इज माइनस सिक्स, थ्री माइनस सिक्स है, सो दैट इज देखो ये क्या होगा, थ्री माइनस सिक्स सो दैट इज माइनस थ्री है, और ये टू माइनस टेन माइनस एट जब इधर आएगा प्लस एट हो जाएगा, सो पी वन का वैल्यू क्या है, सो दैट इज फाइव है. नाउ लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी है,
अभी एक्स का जगह पे जीरो रखो, पी जीरो का वैल्यू बी है, अभी पी जीरो तो थ्री है सो बी का वैल्यू थ्री है। अभी एक्स का जगह पे वन रखो, ए प्लस बी इक्वल टू पी ऑफ वन है, पी ऑफ वन का वैल्यू तो फाइव है सो यहीं पे बी थ्री है तो ए का वैल्यू टू है सो पी एक्स क्या होगा ना, पी एक्स इज व्हाट ना, टू एक्स प्लस थ्री है। ठीक है, नाउ माय डियर फ्रेंड्स अनदर क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू टू कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाई टू है। जब भी इसी टाइप का क्वेश्चन होगा देखो यहीं पे जो फंक्शंस है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, क्लियर, फर्स्ट कंडीशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है एंड यहीं पे एक्स लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सो दैट मीन्स क्या, दो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ये सारे पॉजिटिव है। जब ऐसा होगा एवरी टर्म पॉजिटिव है एंड टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है सो दैट टाइम यू विल अप्लाई एरिथमेटिक मीन एज वेल एज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, क्लियर, जब भी ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करोगे आपको दिमाग में रखना है ऐसा करके इसको अरेंज कर लो वेरिएबल टर्म एलिमिनेट हो जाए। एज यू नो दैट एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन तो यहीं पे थ्री टर्म्स है बाई थ्री एंड ज्योमेट्रिक मीन इज दिस, देखो कॉस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, ये पूरा एलिमिनेट हो गया, टू कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री सो दैट मीन्स क्या, रेंज ऑफ एम सो दैट इज थ्री से इन्फिनिटी है। Now, my dear friends, find the range of the functions f x equal to cos inverse of this. ठीक है, क्लियर, अभी मैंने इसको कंसीडर कर लिया जी एक्स है, जी एक्स का जो ग्राफ है सो लाइक दिस, ऐसा ग्राफ होता है। देखो इसका यहीं पे क्या है, देखो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जब होगा ये वन देगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी में क्या होगा, वन देगा, इसलिए होराइजेंटल एसिम्प्टोट वाई इक्वल टू वन लिखा है। अभी जब x का वैल्यू जीरो है तो ये तो जीरो होगा तो इसीलिए ये कर्व सो लाइक दिस ऐसा होगा। तो इसका रेंज क्या है, इसका रेंज जीरो से वन है, जीरो एक्सक्लूडेड है, वन एक्सक्लूडेड है, जीरो इंक्लूडेड है, वन एक्सक्लूडेड है दिस। ठीक है, अभी कॉस इनवर्स x जो वो तो डिक्रीजिंग फंक्शंस है इसीलिए इसमें इंटरचेंज हो गया कॉस इनवर्स वन एंड सो दिस इज इज कॉस इनवर्स जीरो। कॉस इनवर्स वन का मतलब है जीरो है, कॉस इनवर्स जीरो मीन्स क्या, पाई बाई टू है तो रेंज ऑफ द फंक्शंस इज वन ना, जीरो से पाई बाई टू है। ठीक है, नाउ माय डियर फ्रेंड्स अनदर क्वेश्चंस, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शंस एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस हाफ प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस हाफ है। वी हैव एफ एक्स इक्वल टू दिस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस हाफ प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस हाफ। अभी क्या करोगे, क्लियर, ये दोनों को जो छोटा फंक्शंस है उसी फॉर्म में रिड्यूस करना है तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया, माइनस हाफ प्लस वन काट दिया। ठीक है, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ एक्स प्लस एन सो दैट इज इक्वल टू, यू कैन राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ एक्स प्लस एन कब ना, जब एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, इसीलिए वन को मैंने बाहर निकाल दिया तो वन को जब बाहर निकालोगे क्या होगा, साइन इनवर्स वन, साइन इनवर्स वन मीन्स क्या, पाई बाई टू है। अभी ये दोनों को लिखा है, अभी और एक थ्योरम पद है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स दैट इज पाई बाई टू है, साइन इनवर्स दिस इज पाई बाई टू है जब एक्स का वैल्यू माइनस वन से प्लस वन है सो दिस इज पाई बाई टू, दिस इज पाई बाई टू दैट इज पाई है सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन सो दैट इज इक्वल टू पाई ओनली है। ठीक है, नाउ माय डियर फ्रेंड्स फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शंस एफ एक्स इक्वल टू थ्री टेन एक्स प्लस कॉट क्यूब एक्स है। ठीक है, थ्री टेन एक्स का क्या मतलब है ना, इसको देखो ये जो दो फंक्शंस है अभी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ये दोनों पॉजिटिव है सो दिस इज टेन एक्स, दिस इज टेन एक्स, दिस इज टेन एक्स। ठीक है, एंड दिस इज कॉट क्यूब एक्स है। ठीक है, क्लियर, ये जो चार फंक्शंस ये चार टर्म्स हो गया तो इसका एरिथमेटिक मीन क्या होगा, दिस बाई फोर है, ज्योमेट्रिक मीन तो कैंसिल हो जाएगा सो दैट मीन्स क्या, इसका जो वैल्यू है तो एफ एक्स का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू फोर है तो रेंज क्या होगा। ठीक है, क्लियर, सो दैट मीन्स इसका रेंज क्या होगा, सो दैट इज फोर से इन्फिनिटी है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन सो दैट इज फोर से इन्फिनिटी है। नाउ अदर क्वेश्चंस, सो माय डियर फ्रेंड्स फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शंस एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर, टू एक्स स्क्वायर प्लस दिस, अभी कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू इक्वल राइट सो साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर ए लिखा है, साइन इनवर्स वन माइनस अंडर रूट ऑफ दिस। ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको एक्सपांड किया तो ये कि एक्स फोर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर रूट से बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, इन द प्रीवियस क्वेश्चन में इसका ग्राफ सिखाया था। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है देखो, इसका ग्राफ इसका जो रेंज है क्या होगा, जीरो से वन है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन है वो तो इंक्रीजिंग है इसलिए साइन इनवर्स जीरो, साइन इनवर्स वन है, साइन इनवर्स जीरो क्या है, जीरो है, साइन इनवर्स वन क्या है, पाई बाई टू है। क्लियर, सो माई डियर फ्रेंड्स रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट, जीरो से पाई बाई टू है।
Now another question, find the range of the functions fx equal to sin inverse cos square x plus 1 by 2 है. अभी cos square x का range क्या है? 0 से 1 है. सब में 1 ऐड कर दो, 1 less than equal to cos square x plus 1 less than equal to 2 है. हाँ, 2 से divide कर दो. So this, अभी ये जो functions है, देखो यहीं पे sin inverse है, increasing functions है, inequality में कोई change नहीं होगा. So sin inverse half and sin inverse 1. Sin inverse half means क्या? Pi by 6. Sin inverse 1 means क्या? Pi by 2 है. Now my dear friends, another questions, find the range of the functions fx equal to log of x minus 2. ठीक है, log of x minus 2 this. फ्रॉम देखो ये कब सेटिस्फाई करेगा ना, जब x का वैल्यू 2 एंड 2 से ज़्यादा है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, ए लेस दैन इक्वल टू 4 है. क्लियर? सो दैट मीन्स क्या, ए 2 है, ए 4 है, ए ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है एंड ए लेस दैन इक्वल टू 4 है. ठीक है, तो कॉमन वैल्यूज क्या है? 2 से 4 है. तो इसका डोमेन क्या होगा? 2 से 4 है. अभी जब इसका डोमेन 2 से 4 है, क्लियर, तो इसका रेंज क्या होगा? देखो इसका रेंज जब x का वैल्यू 2 है तो ये क्या है, ये तो 0 होगा, ये तो रूट 2 देगा. सो दैट मीन्स क्या, तो इसका वैल्यू क्या होगा? दिस इज हाफ है. एंड एक्स का वैल्यू जब 4 है वो भी हाफ देगा. एक्स का वैल्यू लेकिन जब 3 है, ए 1 देगा, ए भी तो 1 देगा. 1 प्लस 1 2, लॉग 2 टू द बेस 2, सो दैट इज इक्वल टू 1 है. सो माय डियर फ्रेंड्स, रेंज ऑफ ए फंक्शन इज व्हाट? ना हाफ से 1 है. रेंज ऑफ ए फंक्शन इज दिस. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अनदर क्वेश्चंस, फाइंड द डोमेन्स ऑफ दिस एफ एक्स इक्वल टू दिस. ठीक है, डोमेन लॉग एक्स के लिए, लॉग एक्स के लिए उसका डोमेन क्या है? एक्स इज पॉजिटिव है. सपोज होल ऑफ दिस वन इज एक्स, एक्स इज पॉजिटिव है. ठीक है, अभी सबको माइनस से मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा. अभी ए वन को इधर ट्रांसपोज कर दो, माइनस वन है, ये हाफ है. जब लॉग के लिए जब बेस लेस देन वन है तो इनइक्वेशन चेंज हो जाएगा, हाफ टू दी पर माइनस वन दैट इज टू है. इसको फिर इधर लेके जाओ, ठीक है, एंड पावर को 4 टाइम्स कर दो. सो एक्स टू दी पर 1 बाई 4 इज लेस देन 1 है. जब रेसिप्रोकल लोगे लेस देन 1 है, पावर को 4 करो, सो एक्स इज लेस देन 1. सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, सो दैट इज व्हाट? ना 0 से 1 है. Now my dear friends, another question, find the domains of fx equal to log base 4, log base 5, log 3 to this. अभी whole of this one को x consider करो, log x के लिए x positive है, so this is positive है, and 5 to the power 0, that is 1 है, 3 to the power 1, that is 3 है, 3 को इधर transpose कर लो, 18x minus x square minus 8 is greater than 0 है, minus से multiply कर दो, x square minus 18, x plus 8 is less than 0 है, x minus 18 to x minus 10 is less than 0, तो x का value क्या है? 8 से 10 है. तो डोमेन ऑफ ए, सो दैट इज व्हाट? 8 से 10 है. सो माय डियर फ्रेंड्स, 14 वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस इन द टॉपिक्स फंक्शन. सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको इफ यू वॉन्ट टू क्रैक जेई एडवांस एग्जाम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स प्रॉपरली, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स प्रॉपरली, यू हैव टू क्लियर योर एवरी कंसेप्ट फ्रॉम एवरी टॉपिक्स फ्रॉम एवरी चैप्टर्स. सो माई डियर फ्रेंड्स, जो जी एडवांस एग्जाम्स है, क्लियर, इसको इस फॉर्मेट पे होता है. सो दिस इज लाइक दिस, 40%, 20%, 20%, 20%. ये 40% ईजी होता है, 20% मीडियम लेवल होता है, 20% डिफिकल्ट लेवल एंड अनदर 20% टू डिफिकल्ट लेवल है. ठीक है, ये जो ईजी लेवल है, ये जेई मेन से भी ईजी होता है, लेकिन इनडायरेक्ट वे पे होगा, आपको कैच करना. If you understand the subjects, you can easily catch these 40% questions from the subject. So my dear friends, another medium, जो medium level 20% solvable है, another 20% भी solvable है. आपको पहले इसके लिए पढ़ाई करना चाहिए. ये जो 20% है top 200 rankers के लिए है. आपको लगता है आप top 200 rankers में आ सकते हो तो इसके लिए पढ़ाई करना, otherwise 80% के लिए आप पढ़ाई करना. ठीक है, 80% के लिए पढ़ाई करने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट में 20 चैप्टर्स एटलीस्ट आपको अच्छे ढंग से पढ़ाई करके जाना है. अच्छे ढंग से के मतलब क्या है? ऐसा करके पढ़ाई करो, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन. ये कब पॉसिबल होगा? जब आप सब्जेक्ट को समझने लगोगे. क्रैमिंग करके तो जेई एडवांस क्लियर नहीं होगा. जेई मेन आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन जेई एडवांस के लिए तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है. क्रैमिंग करके आप क्लियर कर दोगे. सो माई डियर फ्रेंड्स, इफ यू वॉन्ट टू क्रैक जेई एडवांस विथ ए ग्रेट कॉन्फिडेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स प्रॉपरली, यू हैव टू अंडरस्टैंड द topics properly, you have to clear your every concept from every topics from every chapters. That's all my dear friends, thank you very much for watching my video. Please like, share and subscribe my channel Math Stop. That's all.